मेरा ढोला डाना सोना गीते जया ना कोई होना, मेरा ढोला डाना सोना गीते जया ना कोई होना, असी राव चिखलाइए ओ दी तक ना पवे। ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे। ओदे सोने सोने ने मेरी जान कड लैन, किते मैनू मिल जावे मिले जिंदगी नू चैन। कदे कठे असी बइए मजे जिंदगी दे लइए, कदे कठे असी बइए मजे जिंदगी दे लइए, साडे दोवां विच अल्ला करे विथ ना पवे। ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे। ढोला बड़ा मगरूर साडा दिल मजबूर, उनू जिंदगी दा साथी ए बनाउणा मैं जरूर। अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे, अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे, मेरा ढोला मेरी अखियां दे सामने रवे। ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे। नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं ईद लाहौर के संग, ये है हमारी ईद की खसूसी ट्रांसमिशन ढोले नू काला सूट सोना लगे। मेरे लिए कौन सा गाना है आपके लिए? बोस्कीदा तो सही। चले अब मैं आपसे नाराज शुरू नहीं हुआ और ईद का मौका है और आपने पहले ही अपने लिए बात करना शुरू कर दी है। आपके लिए तो गाना बज गया, आपके लिए तो गाना सुना दिया गया, उन्होंने भी यही बातें शुरू कर देनी है, तो बेहतर है कि हम ईद का मौका रहने दें। नहीं पहले ही आपको थोड़ी तरजीह मिल गई तो मैं जेलस हो गई, मैंने कहा मुझे भी मिलनी चाहिए। अब बोस्की का सूट आपसे सुनेंगे। मैं हूँ मदीहा आबिद अली और मैं हूँ सुल्तान शाह। आज बात करेंगे ईद की। शेर मियां दाद ने जिस तरीके से सुर बिखेरे हैं, मशहूर कवाल है, सिंगर है, इसी तरीके से आज कोशिश करेंगे कि ईद का मौका है और आज खुशियां बांटेंगे। हमने कोरोना वायरस देखा, बड़ी दुख भरी दास्तानें सुनी, आज सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि अपने अहलियाने लाहौर के साथ, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हमारे अहल इलाका के साथ हम खुशियां बांटेंगे और ये कहेंगे कि आज ईद का पहला दिन है, कुर्बानी शुरबानी अगर आपने कर ली है तो आज आप हमें अपनी खुशियों में शामिल करें और जो हमने किया है उसमें आपको शामिल करेंगे। क्यों मदिया? तो आइए ईद ट्रांसमिशन का बकायदा आगाज करते हैं, अपनी अपनी नशिस्तों पर हम चलते हैं और दीगर मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी हमारी नन्ही परी हादिया हाशमी। इन्होंने अपना नाम बनाया और ऐसा नाम बनाया कि सबको पीछे छोड़ दिया। और हमारे साथ जो दीगर गेस्ट उनको तारुफ कराते चले, रियाज अमी चौसा मौजूद हैं। इनका आज बहुत ज्यादा आम काम है, जब भी ईद उल अजहा आती है तो तमाम तर लोगों की नजरें होती है एक उस डिपार्टमेंट को जिसके ये चेयरपर्सन है, वो डिपार्टमेंट है LWNC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या कर रही है लाहौर शहर में, कितनी सफाई हुई, क्योंकि पहले पिछले कई सालों से हम ये देखते थे कि लाहौर की गली कूचे चौराहों पे गंदगी के ढेर लग जाते थे, तापन फैलता था, लेकिन पिछले कई सालों से ये भी अच्छा नजर आ रहा है कि लाहौर साफ सुथरा होता है, दुनिया एग्जाम्पल लेती है और पाकिस्तान के दीगर शहरी जेलस होते हैं कि लाहौर इतना साफ क्यों है। रियासा बहुत शुक्रिया, आज हम आपको वेलकम कहते हैं और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेख इम्तियाज साहब जो के वाइस चेयरमैन हैं वासा के, और इस ईद को मॉनसून जो है वो आ चुका है, हम देखते हैं कि यहाँ से बचाते हैं। जी हाँ, और ये देखते हैं कि क्या बूट पहनेंगे। और अंदर की खबर आपको दूं, शेख साहब ने अपने बूट तैयार करा लिए। शेख साहब ईद मुबारक, ईद के लिए बुलाया कि शेख साहब ईद मुबारक, देखिए हमने ईद मुबारक आपको कह दिया। ये बड़ा अच्छा तरीका है ईद मुबारक कहने का, ना डरा भी दिया आपने। शेख साहब आपकी हुकूमत है, हम नहीं डराते आपको। इसके साथ ही यासर गिलानी साहब मौजूद है, PHA के चेयरपर्सन है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जिस तरह शेख इम्तियाज साहब को हमने कहा है कि इनकी हुकूमत है हम कुछ नहीं करेंगे, तो आज यासर गिलानी साहब को इससे पहले बहुत तंग किया है,
हम इनके इलाके शादरा से इनका ताल्लुक है, वहां से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने टिकट नहीं दिया। लेकिन क्योंकि ये सियासी रहनुमा है, हम हर दूसरे रोज इनके पास पहुंचते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि 2 साल बीत गए क्या किया। लेकिन गिलानी साहब, आज आपको ईद मुबारक, आज वो सवाल नहीं होंगे, आज अच्छी बातें होंगी। और घबराना नहीं है, ये जो है आज गिलानी साहब हमें बताएंगे। हमारे साथ बहुत प्यारी सी फेरी मौजूद है, फेरी बट इनका नाम है और ये मॉडलिंग की दुनिया पे राज कर रही हैं। बहुत सारे इन्होंने ब्राइडल शोज भी किए हैं। पूछेंगे इनसे कि हम किस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं, कपड़ों का इंतखाब कैसे करना चाहिए और मॉडल कैसे बना जाता है। फेरी आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फेरी। आपसे पहला सवाल करना है मैंने, नाम फेरी है, फेरी है, फेरी टेल से आया है, क्या है एक्चुअली? मेरा नाम जो फरहत है। अच्छा, फरहत नाम है, लेकिन कभी किसी ने बुलाया ही नहीं, मतलब बचपन से आपने बताया ही नहीं होगा। अम्मी ने तो लिखवाया है वहाँ पर ना, बर्थ सर्टिफिकेट पे, लेकिन कहते ही फेरी थे तो वो कभी किसी के मुंह से मैंने फरहत सुना ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का नाम, मेल लोग भी हैं जिनका नाम फरहत है, इस वजह से भी शायद। ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने होश संभाली तो मुझे फेरी फेरी कहते, फरहत कोई कहता ही नहीं। तो पक्की होगी फेरी पे, आप मुझे फरहत भी कह सकते हो, वो भी मेरा मतलब होता ना परी। वही मैं कह रहा हूँ ना, फेरी टेल की कहानियां सुनती रही है, बड़ी हुई है, शेर मियां दाद साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका गाना आपने सुन लिया, कितने सुरीले हैं ये आपको भी पता है। पाकपतन शरीफ से उनका ताल्लुक है। मियां दाद साहब बड़े अरसे से आप गा रहे हैं, कवाली कर रहे हैं और अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ईद कैसे गुजारते हैं? ईद आज तो आपके साथ गुजार रहे हैं और पीछे बर्तन देख के सर सिर कैंटा मंगिया बाकी दिन की कर दे वै दसो। पहले तो यह तुम दस दो भांडे देख के चंगा लग रहा है। बर्तन बर्तन आए ने, पीछे निजाम भी हो रहा है। बहरहाल अपनों के संग, अपने प्यारों के संग, रिश्तेदारों के संग, दोस्तों के संग गुजारता हूँ। तो आप वापस अपने गांव जाते हैं, लाहौर ही? लाहौर से फिर मैं पाकपतन शरीफ जाता हूँ। पाकपतन शरीफ ठीक है, ठीक है। क्या साहब ईद पे क्या मसरूफियात होती है? क्योंकि आपसे मैं इसलिए दो चार सवाल सीरियस भी करूंगा क्योंकि आपका जो महकमा है वो आज के ये 3 दिन जो ईद के होते हैं इस पे लोगों की नजरें आप पे होती हैं, बाकी सारा साल तो नजरें होती होती है, लेकिन इन 3 दिनों में बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। महसूस ही होता है मुझे, आपका बहुत शुक्रिया। आपका स्टार्ट तो हमारा ये होता है कि शुरू में तो हमने मॉर्निंग में जाना होता है, हमारी एक कंपल्शन होती है कि हम कब्रिस्तान अपने बुज़ुर्गों के पास जाए सुबह सुबह आके, उसके बाद आके कुर्बानी के बाद नमाज के बाद फिर हमारा दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपना काम शुरू कर देना है, हमने अपना काम शुरू कर देना है और आगे आगे जो है ना वो आप लोग होते हैं और आप हम आगे आगे भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे आप होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। आप जो है इतनी छोटी सी हैं, ये आप ये बताइए कि खाना खाती हैं आप? ये खाती हूँ। बकरा ईद पे आप क्या पसंद करती हैं खाना? चिड़ियों का खाना खाती हैं? नहीं, चिड़ियों का नहीं खाती। बकरा ईद पर मैं बकरे का गोश्त खाती हूँ। अच्छा, वाओ। और बाकी नहीं किसी खाती, बाकी का नहीं मुझे पसंद। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, आप जितनी बड़ी अभी सिंगर बन चुकी हैं, लेकिन अभी तो हैं आप नन्ही सी परी। बताएं कि बाबा से फरमाइश की के सफेद बकरा लेना है या काला बकरा लेना है या ऊंट लेना है, क्या फरमाइश की थी? मैंने हमने एक गाय ली है और 2 बकरे लिए। और उनके साथ क्या खेला भी है आपने? जी खेला भी उनके साथ? नहीं, मुझे खेलना पसंद नहीं है। नहीं पसंद, तो देखना पसंद है। जी बस देखना पसंद है मुझे। ठीक ठीक है। गिलानी साहब सर, बड़ा अच्छा आपने PHA को लेकर चले हैं, ईद कैसे मनाते हैं आप? एक तो आपने पहले ही बता दिया कि इंशाल्लाह हम उसको वैसे भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, प्लांटेशन हम मैक्सिमम करके बड़ी बड़ी तादाद में प्लांटेशन किया। वो ईद का रूटीन यही है कि शुरू का पहला दिन ज़रा होता है फैमिली के साथ और उसके बाद कोशिश होती है कि छुरी पकड़ के प्रिटेंड करें कि कम अज़ कम हम भी कोई हिस्सा डाल रहे हैं, साथ बैठे ज़रूर होते हैं, तो वो पहला दिन तो इसी तरह से गुजरता है। और उसके बाद फिर जो करीबी फैमिली रिलेटिव्स हैं दो चार घरों में, उसके बाद कुर्बानी के बाद बेगम को किचन में भेजते हैं या खुद भी जाते हैं कुछ बनाने के लिए? किचन में नहीं, वो छुरी पकड़ के साथ इस साथ तक जरूर होता है। कुछ और भी प्रिटेंड किया करें ना गिलानी साहब, किचन में भी कुछ जाके प्रिटेंड किया करें। चले अब आपने, मुझे लगता है ये करवाना है, इस प्रोग्राम के बाद जाके करना पड़ेगा, इसके बाद फिर दोस्तों के साथ शुरू हो जाता है। अच्छा शेख साहब एक चीज बताएं कि ईद का दिन हो और आप फैमिली के साथ बैठे हो और किसी का फोन आ जाए, मेरी गली से पानी बड़ा खुल होता है
क्योंकि देखे ना बादशाह का काम है पानी निकालना, तो क्या महसूस क्या करते हैं? ये मेरा ख्याल है कि मैं जब भी कोई किसी का की मुश्किल को आसानी में तब्दील करूं तो मुझे खुशी होती है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं करना होता, हमने अपना एक मैसेज ही करना होता है, ठीक है, और उसका मैंने उसको यही कहूंगा यार अपना एड्रेस और फोन नंबर मैसेज कर तो मैं आगे मैसेज कर दूंगा। सही है। शेर मियां दास साहब, आप ये बताइएगा कि फैमिली इतनी बड़ी और फिर लेगेसी का आप लेकर चलना, वो हमें कुछ स्टोरी बताइए इंटरेस्टिंग सी कि किस तरह से आपने इतना प्रेशर था वालिद साहब का नाम, इतना बड़ा नाम, और फिर उसको आगे लेके चलना, फील्ड में आना, परफॉर्म करना। अल्लाह पाक ने जब किसी को मंजिल अता कर दी होती है तो उसको पहले रास्ते देते हैं, शऊर देते हैं। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं बड़ा शाय था, बस मेरे का एक पीरियड होता था तो मैं यही कहता था या अल्लाह एक पीरियड ना हो क्योंकि उन्होंने मुझे कहना तो उठ के सुनाओ, और मैं अलाब में इतना वाइब्रेट हो जाता था कि वो उस्ताद कहते थे अच्छा अच्छा भेजा यार, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ मैं ये कि अपने पापा जी को सुनता था, बड़े भाई उस्ताद बदर मियां दास साहब उनको सुनता था, क्योंकि हमारे तलक बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर रहमतुल्लाह से वहाँ के दरबारी कवाल भी हैं। तो फिर मैं जब रिसेस होती थी स्कूल से मैं चोरी जाता था, सुनता था सारा कुछ। फेरी आप कभी रैंप पे वॉक करते हुए गिरी है? हमने अक्सर देखा है ये कि मॉडल्स जो है वो कपड़ों में उलझ कर गिर जाती हैं। हम चाहते नहीं है, सवाल कर रहे हैं हो जाता है ये मेरे साथ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जो मॉडल्स हैं उनके साथ हो जाता है। क्यों हो जाता है ये? क्यों हो जाता है? उनका जवाब है वो पूछना चाह रहे हैं क्या हील वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती उस हिसाब से या रैंप पे पानी खड़ा होता करेंगे तो आप करेंगे ना शेख साहब, तुम्हारा तो काम आप तो लाजमी साहब आप नोट कर रहे हैं ना शेख साहब की जो गुफ्तगू नोट कर रहे हैं ना, ये इनकी नई नई चीजें हमें आज नजर आ रही है। ठीक है, अब आप उतरते हैं रैंप से नीचे और जाते हैं किचन में। बताइएगा बकरा ईद पर जब आपके घर कुर्बानी हो जाती है तो फिर फैरी क्या बनाती है? अच्छा, जैसे कि ये वाली ईद जो है ना बाकी ईद से बहुत डिफरेंट है क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन खाना तो खाना खाना तो खाते हैं, लेकिन एक बात है कि मास्क पहन के बकरे को भी मास्क पहनाया था। अच्छा, मेरी आदत नहीं है, मैं कुर्बानी जब हो जाती है ना कपड़ों के साथ कुर्बानी हो जाती है ना तब माशाल्लाह किचन से नहीं डाइनिंग टेबल तक जरूर आती है। किचन नहीं जाती आप? क्यों? अच्छा, कुछ भी नहीं बनाती वैसे भी जनरली? मुझे ना बस खाना पसंद है, सारे घर के काम करवा लें, सब करूंगी, सब कुछ करूंगी, बस किचन का टाइम आता है ना फिर मैं भाग जाती हूं। मसलन क्या करती है? बर्तन धोती है? बर्तन नहीं धो सकती और खाना नहीं पका सकती, बाकी घर की सारी सफाई के बाद सब कर सकती हूं, घर की सफाई झाड़ू पोछा सब करूंगी, पंखे साफ कर लेती हूं, A1 डस्टिंग भी नहीं छोड़ूंगी। याद है कि AC की जालियां हर 15 दिन के बाद मैं करूंगी साफ, लेकिन किचन नहीं जाऊंगी, किचन नहीं जाएंगी। अच्छा रियाज साहब, आप जाएंगे किचन? जी नहीं, मैं इसलिए कि मैं तो सारा दिन आपके खिदमत में रहता हूँ, पूरा दिन कल रात से शुरू हो जाता है हमारा जो है वो सिस्टम शुरू हो जाता है जी कि ईद से एक दिन पहले जो रात होती है वो हमारी उसी दिन से शुरू हो गया होता है ऑपरेशन जो होता है। तो क्या भाभी कलेजी पैक करके भिजवा देती है कि भाई भाग गई थी केसरी खा लेना, सबसे ज्यादा तो जो कुकिंग की तरफ सारा दिन बिजी तो रहते हैं ना इसी वजह से। अगर ये किचन में चले गए ना तो हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा होता है खाना पकाना ना ज्यादा घर के मट करते हैं कि हम बार्बीक्यू करें, नहीं इधर भी सुन लें बार्बीक्यू बार्बीक्यू करना कौन सा शाहजी, आप यकीन करें इस बात के ऊपर कि ये बड़ा इजी है कि आप जिस तरह कह देते हैं कि अभी शेख इम्तियाज से आप बात कर रहे थे, सच अ डिफिकल्ट ये जो पब्लिक डीलिंग है, 1,20,00,000 आदमी को आप कैटर कर रहे हो, प्रेशर इतना ज्यादा हो, फिर उसके बाद आपकी जो है जो इतने रिलैक्स करवाते हैं और आपका जो प्रेशर है वो कम करवाते हैं हादिया से, हम आपको खाना खिलवाएंगे ताकि आप जरा जो दिन भर की थकान है ताकि आपको भी पता लगे कि हादिया का टैलेंट क्या है।
आदिया, क्योंकि हम दोनों आपके फैन हैं, हम स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए आपको आए हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। ईद का मौका है, खुशियां बांट रहे हैं और आपसे दरख्वास्त करें कि अपनी खुशियों में हमें शामिल कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले रियाज साहब से सुना है इनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। जी हाँ, रियाज साहब से पहले भी जब गुफ्तगू हो रही थी तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी थी। तो रियाज साहब थोड़ा सा आज शुगल हो जाए, सीरियस गुफ्तगू तो होगी। कुछ गाने मैं आपको बताऊंगा जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वन लाइन। जी जी, पूरा गाना नहीं बताऊंगा, वन लाइन। ऐमे तो नहीं डोला तेरे पीछे पीछे आया था, अपने आप को रख के कह रहा था, किसी को कहना पड़ जाता है। Am I fool to follow you? What else can my beloved? What else can be at this age? कामयाब हो गए हो? कामयाब हो गए हैं। वैसे वैसे। मैं बोल रहा था इनके लिए। Thank you जी। अच्छा जी, वो काले सूट वाले का भी आपको काला सूट का ये जरा बता दे जी, आपने जो गाना गाया काला गाना गाया ना, आपने अपने लिए गाया ना मेरे लिए गाया, पहले से तैयारी थी दोनों। मैं बताना चाहता हूँ गिलानी साहब, मैं ये बताऊंगा कि मैं ढोला उनको कह रहा था और काला सूट इधर था, ब्लू सूट या शेड, वैसे ये भी काले का ही आ रहा है लेकिन। अच्छा चलो, नेक्स्ट में मैं आपका भी जिक्र करूंगा, ये कलर का, ये गिलानी साहब का। आज आपको ग्रीन और व्हाइट। अच्छा इम्तियाज साहब को था कि मुझे बताते, मैं भी जरा गोटे किनारी वाला सूट पहन के आता। अच्छा इन्होंने इस बात पे सूट देखा और ये सर पे सर पकड़ के बैठ गए। देखे ईद तो आप लोगों की है माशाल्लाह, आपकी भी है। देखे हमारी ईद तो हम तो बकरी भाभी नींद की गोली देखी, लेकिन मैंने कहा इतने गोटे छोटे वाले सूट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये वो हम भी कुछ थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं। अवेलेबल कर देते हैं, लगवा देते हैं गोटे वाला सूट होता था, मैं लगवा लेता। ठीक है रियाज साहब, एक और आप जी प्लीज, ताकि सिलसिला फिर आगे रुके ना। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारा नु शिफा मिल जाती है। By seeing your we cured, yes of course it is a part of life, yes certainly that does matter, seeing does matter, सिंग डज मैटर, सिंग डज प्यार नाला। ठीक है, सिंग डज मैटर। अच्छा वो ना उसके उसका एसेंस निकाल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश में भी गाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फीलिंग्स पे पहुंच के फिर उसको ट्रांसलेट। पहुंचे वही है, पहले पहुंचे वही है, सी ऑल इज दैट सिंग डज मैटर। ठीक है, साथ साथ और भी गेम्स करते हैं। जी हाँ, और कभी नहीं में आपने जवाब देना है। तो आपसे मैं जान लेती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है
कि किसी दोस्त की आपने कोई चीज चुराई हो? जी हाँ या कभी नहीं? चुराई? वेरी गुड, वेरी गुड, सच्चे इंसान, सच्चे इंसान। अब जरा किस्सा भी बता दे, वो जो आपको चोर नहीं समझ रहा था वो आज ही पकड़ ले, पकड़ ले आपको। मैंने नींद चुराई। शादी हुई कि नहीं हुई, ये भी बता दे। खुशकिस्मत है सर, फिर इनडायरेक्टली अपने घर जान का रास्ता बना रहा है। आपने को गलत काम अभी तक किया नहीं है, जो आप चापलूसी पे आ गए। नहीं, आपने जब कहा नींद की गोली तो मैं सोच रहा हूँ। सही है। अच्छा, मुलाकात हुई कभी इनके लीडर से आपकी? इनका लीडर नहीं पता आपको? नहीं पता इनका, आपको इनके लीडर? मुल्क का वजीर आजम हमारे 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 सब के, हमारे सब के लीडर हैं जी। वो देखिए हमारे शहबाज शरीफ हो गया। ये क्या हो गया? ये ना सियासी बातें हो रही हैं। आपने यहाँ भी अपोजिशन लगा दिया। ये इतनी हो रही सियासी बातें हो रही हैं। मुल्क का वजीर आजम कौन है? मेरे लिए तो बस शहबाज शरीफ है। वाह, बस हर जगह वही है। ढूंढ रहे हैं अभी, मिलनी था। कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है, वो जहाँ भी हमारे लिए वही है। कर देता हूँ, पंजाब का वज़ीर आला कौन है? जो भी है, जहाँ भी है, बस वो ही हमारे। ये बता दे पंजाब का वज़ीर आला कौन है? चौधरी, क्या नाम है? चौधरी, मैंने कहे चौधरी भी शहबाज शरीफ नहीं क्या? वो सही नहीं है और बाद क्या वो सही नहीं है? वो भी शहबाज शरीफ क्या? वो सही नहीं है, सियासत से बहुत दूर हूँ। उन्होंने ये कह दिया कि वो सियासत से बहुत दूर है, इसी वजह से उन्होंने जो पहला जवाब है उसी तनाजर में देखा जाए तो सारी आप खुश हो जाए। अच्छा, सीएम कब? नहीं सियासत आप शेख साहब को देख के कह रहे हैं? शेख साहब को देख के कह रहे हैं? वैसे ही डिजर्व ये बन जाएंगे सीएम जी, ठीक है ना? ये डिजर्व जी, बिल्कुल। शेख साहब को देखेंगे, ये बहुत क्यूट है। वो गोली दे के आए, गोली भी खाई, गोली दे के आए, कोई फायदा नहीं हुआ। चले अच्छा, सर आप बहुत क्यूट हैं। शेख साहब पैसे बुरे, आप कह रहे थे ना मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, अब आप खुश हो जाए। चले गिलानी साहब से, क्योंकि ये लाहौर को खूबसूरत करते हैं, फूल लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो आपसे मैं फूल रिलेटेड करता हूँ, एक जुमला बोलूंगा और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है? लाइन ये सर के, एक फूल मोती दा मार के जगह सोनी है, जगह सोनी है। लुक विद लवफुल आईज, वाह, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप। मैं उसे एक से आगे चला गया। कहाँ जाएगी? भाभी जरूर सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा। थ्रो मी वन फ्लावर ऑफ जैस्मिन। हाय 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 हाय। मैं उसे एक से आगे आगे निकल गए। मैं उसे जैसे वो बताया ना कि इमेजिनेशन में आप जाएं तो एक स्टेप उससे आगे चले जाए, तो मैं वहाँ पे चला। ठीक है, मदीन से जरा, वो जिस तरह आपने उनसे पूछा चोरी का, ये भी बाकी लोग भी बैठे हैं, इससे जरा पूछा पता लगे। हादिया से, हादिया आपने कहने जी हाँ या कभी नहीं, तो सवाल ये है कि क्या कभी किसी और के कपड़े आपने पहने हैं? जी हाँ या कभी नहीं? जी हाँ। किसके पहने? हमारी तरह स्पॉन्सर। हादिया के पास भी स्पॉन्सर हैं जी? वाह, छोटी सी उम्र में स्पॉन्सर भी हैं, लोग भी जानते हैं, जबरदस्त बात है, ये नेशनल टैलेंट है। कितनी प्यारी बात है कि मेरा शौक है गाना गाना, सॉन्ग सुना के ठीक कर देगी। सॉन्ग की बात ही हो रही है मियां दाद साहब, एक और परफॉर्मेंस अगर हो जाए, बिल्कुल कोई, क्योंकि ईद का मौका है सर। ढोला और भी बैठे हैं सारे, अब और भी ढोले ने दूसरे पास यू टर्न मार लो, ठीक है यू टर्न मार लो। अब जो मैं पढ़ूंगा ना सबके लिए, उसके बाद जो तमाम तर नजरे हैं वो पीछे हैं, तो अभी हम बारबेक्यू बनाएंगे। शेख साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मेरी भी इंतजार कर रही है कि दोनों को मौका मिले और इकट्ठे कुछ खाएं, बाकी तो चलो एंजॉय कर रहे हैं। ये जो सॉन्ग यानी आज आपने पूरा प्लान किया कि मैं घर ना जाता, नहीं नहीं जानते। ये जो सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ, तो जो कुछ हो गया उसकी नींद की गोली वहाँ पे क्या कर रही है? अब तो उनको ख्वाब आ जाएगा, अब तो ख्वाब में भी आ गया होगा। ये जो मैं अभी सॉन्ग प्ले करूंगा ना, गाऊंगा, इसमें सबक है कि इसमें टॉपिक क्या है, ये सियासत में भी है कि बहुत है यार बना के की करने, यार एक ही होवे ते चंगा होवे। Oh,
जाएं आज लजीज खानों से अपने मेहमानों को हम एंटरटेन करेंगे। सुल्तान आप बताएं कि शेख साहब पहले बात में बातें होगी मदिया, बहुत बातें होगी। शेख साहब फौरन साथ आके बैठ गए। मैंने इनको कहा खड़े हो गए कि थोड़ी जगह देते, मैंने और मदिया ने प्रोग्राम हो सकते नहीं, हाथ छेती पहनते कबाब लग रहे हैं, तिक्के लग रहे हैं और शेख साहब आज बड़े जबरदस्त मूड में। इससे पहले हम आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुझे कितनी भूख लगी है ना। लेकर आए आप इधर आ जाए और इनको और शेख साहब जो है ना, मैं मेरा ख्याल भाई को छुट्टी में भेजते हैं, आप सारे छुट्टी में जाएंगे। हमें बना के भी दिखाएंगे और हमें परोस जो तैयार है वो बताएं जी। पहले ये तैयार है, ये तैयार है, कैसे पता चला ये तैयार है सर? आपको ये देखे ना, बड़े प्यार से की बात है, बड़े प्यार से बदला ले भी अपनी में सर। शाहजी मेहरबानी, शाहजी मेहरबानी, ये देखे ना, ये पहले डाला है खे तुसी बहुत अच्छे यार। दर्दों में सात रात, दर्दों में सात रात, तकलीफों में सात रात, आज छूट गया देखा लग रहा है। बाद में उन्होंने पौधे नहीं लगाने, एक बार कूड़ा जमा हो जाना है। आर्टिफिशियल है, मैंने इन्हें पहले मेरे सच्ची वाला खाना है। हमेशा मेरे घर के आगे कूड़ा नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। सलाद जी, शेख साहब मियां साहब को भी देख, मियां साहब से क्या लड़ाई है आप? नहीं नहीं नहीं, मियां साहब ने तो डेडिकेट, मियां साहब ने तो इतने जबरदस्त गाने गाए, मेरा तो दिल कर रहा है कि बस मैं और मियां साहब ही खाएं। शुक्रिया सर, शेख साहब बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये लो आपको नहीं मिला कुछ भी, शेख साहब ने तो आज ये लो आ गया। नहीं नहीं, इस पे प्लेट में आपको शेख साहब आके देंगे, ये लो। बहुत गर्म है, मुश्किल, बहुत ज्यादा ही गर्म है। शेख साहब वैसे तो शेख साहब बड़े अच्छे भाई हैं, हमेशा साथ देते हैं, लेकिन आज शेख साहब ने अपने उन दो भाइयों का भी साथ छोड़ा और मेरा भी साथ छोड़ा। और शेख साहब ने आज जो किया है, ईद गुजर जाए इसके बाद बासा क्या करती है, हम आपको हर प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप मैंने मैंने आपका साथ इसलिए दिया कि मानसून पे आप बोले ना भाई, खामोश रहे, ठीक है। लेकिन जो आपने एंड में साथ छोड़ा ना शेख साहब, अब इसमें हमारा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अमूमी तौर पर गिलानी साहब, ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं ये फैमिलीज में किया जाता है, और पहले क्योंकि खास तौर पर जब ईद उल अज़हा आती है इस पे ये लाजिम होता है कि बारबेक्यू किया जाए, इकट्ठा किया जाए। अभी क्योंकि COVID-19 आ गया, फासले बढ़ गए, जो हमारी रवायात के बरक्स था। खासतौर पर शादी के बाद तो दो हिस्सों में हो गया कि एक दफा आपने इन-लॉज में करना है, जाके वहाँ पे खाना खाना है और ये वाला, और दूसरे अपने कजन के साथ, फैमिली के साथ, तो ये दोनों जगहों पे इसी तरह से बारबेक्यू पार्टी। किसको शौक है करवाने का घरों में? मेरे घर पे तो लेट आ गया था, म्यूजिक लगा के बारबेक्यू। हमें तो कभी इनवाइट नहीं किया,
गलती हो गई आपका, नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट कर लेंगे, बकरा ईद पे आप कहेंगे जो हमें सब ने अकेले की बात की है, अपनी अपनी बात की अपनी अपनी। अच्छा अपनी अपनी, बाकी गेस्ट आपने खुद बुलाने हैं, आप तो कल को आ जाए फिर ठीक है, पहुंचेंगे तो रियाज साहब आप समझने वाले समझे भी इस बात को, वो बुला रहे हैं किसी को बुला रहे हैं सही है, वो खाने में मसरूफ है या सब आप जी एक्सक्लूसिवली वही बिल्कुल होता है जी, पसंद किया जाता है बारबेक्यू खास तौर पे, घर वाले जो बहने वहने उनके बच्चे बच्चे इकट्ठे हों अपने सारे अजीजों का इकट्ठे हों तो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा एक मजा आता है बारबेक्यू बनाने, और वो जो हमारी रिवायात थी इकट्ठे होना एक दिन सारा खानदान इकट्ठा होता है, ये हमारे तो घर में जी एक ट्रेडिशन जरूर है की ईद पर हम जरूर अपने बहन भाई सारे एक हर ईद पर हमारा होता है ये। आप जो है खाना ज्यादा पसंद करती हैं या फिर सर्व करना ज्यादा पसंद करती हैं? दोनों कर लेती हैं। इतनी छोटी सी हो कैसे सर्व करती हो? जैसे घर में मेहमान आए होते हैं, गेस्ट आए होते हैं तो मैं जैसे प्लेट्स रख लेती हूँ और ग्लास रख लेती हूँ। हर गैदरिंग में कोई ना कोई कहता होगा चलो गाना सुनाओ। जी बिल्कुल, हमेशा होता है जी, ज्यादातर फैमिली में होता है। होता है फिर जी, तो आपको कभी गुस्सा आता है कि मैं क्यों सुनाऊं, पैसे लेकर जाऊं? नहीं, मजाक में कभी कभी बात चली जाती है, नहीं जब 5-6 गाने सुनोगे तो फिर गले में तो दर्द होगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक सवाल मैंने भी करना है, आप सॉन्ग मतलब आप करते हो तो ये पानी किस तरह नॉर्मल पीते हो या बहुत ज्यादा चिल पानी पीते हो, इसका भी ख्याल रखते हैं ना इस चीजों में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं रखते ना। तो गर्मी अगर जैसे आज मेरा शो था, मैंने गाना गाया तो मैंने सुबह से कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं पिया, सिर्फ पानी। हाँ, गाना अच्छा। गाना। वो पानी भी ना सही, ज्यादा ठंडा नहीं। तो भैया साहब आप भी टिप्स दे दें कुछ, मैं सिंगर बन सकती हूँ, सुल्तान सिंगर बन सकता है सर? आप सर सुल्तान जो है ना वो सिर्फ वो क्या कहते हैं जो बातें लगाते हैं उनको कुछ कहते हैं वर्ड, उनको एंकर कहते हैं, पैसे लगाते हैं पंजाबी में क्या कहते हैं? हाँ बोलो बोलो कुछ कहते हैं उन्हें, मुझे अभी याद आएगा मैं बताती हूँ। चले ठीक है मियां साहब, आप बिल्कुल, मैंने वैसे आपको सुना नहीं, अगर आप मुझे एक लाइन सुना दे आप जी, चले जी मदिया की लाइन सुन लेते हैं, लाइव ऑडिशन मदिया का इस वक्त हो रहा है, उसके बाद फिर रिजल्ट निकले मदिया को। आज मैं एक गाना सुन रही थी, जिंदगी के सफर में गुजर जाती है जो मकान वो फिर नहीं आते, वो दिल से जा रहे हैं। अच्छा आपने सिर्फ एंट्री कर दी, मैं यही कहने लगा था, अगर आपने कहा कि अप्रूव है तो शेख साहब मियां साहब लड़ाई मनना ही छोड़ देना। देखो जी कॉन्फिडेंस तो आगे रिस्क पड़ा झूठ क्यों, वेरी गुड मियां साहब कॉन्फिडेंस तो है ना, कॉन्फिडेंस वाटर कूलर मदिया का हुआ, वाटर कूलर मदिया का हुआ। हम जाते हैं शेर मियां दास साहब के पास, जो सिंगर है जिसका काम है सुर बखेरना, और लोगों के कानों में जब सुर जाता है, क्योंकि म्यूजिक कहा जाता है कि रूह की गजा है, तो रूह की गजा को बदमजा नहीं करना चाहिए, मदिया ने कोशिश की इसको माफ। कॉन्फिडेंस के नंबर मेरे कॉन्फिडेंस मेरा सिंगिंग मियां साहब, थैंक यू मियां साहब का गाना सुनते हैं जी। मैं फिल्म बार बार उन्हीं पर नजर गई, मैंने बचाई ला मगर फिर उधर गई, उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था, जिस पे पड़ी उसी की जिगर में उतर गई रश्के कमल।